डेरा सच्चा सौदा प्रकरण के बाद डीजीपी संधू कैथल पहुंचे और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। एडीजीपी मोहम्मद अकील भी उनके साथ पहुंचे। कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों की मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में जिसमें उन्होंने कहा कि सौदा प्रकरण कैथल जिला पंचकूला व सिरसा के बाद अति संवेदनशील था, लेकिन यहां के जिला प्रशासन व पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा और पूरे जिले माल की रक्षा की। कैथल में कुछ एक घटनाओं को छोड़कर लगभग सब कुछ पीसफुल रहा। उन्होंने बताया कि डेरा मामले में जो भी लोग शामिल पाए गए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग आगजनी व तोड़फोड़ में शामिल थे लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ उनको भी कार्रवाई करके मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिरसा रोहतक आदि सभी स्थानों का भी मैंने दौरा किया है और पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। उन्होंने प्रेस का भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया। हनीप्रीत मामले पर बोलते हुए कहा कि हनीप्रीत समेत दो लोग और हैं जो गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने रेहान स्कूल प्रकरण के बाद स्कूलों व बच्चों की सुरक्षा के विषय में हिदायतें दी। वायलेंस फैलाने वालों पर विशेष नज़र रखी जाएगी और जो इसमें दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर में सभी डेरों की तलाशी ली गई है और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी तलाशी ली जा सकती है। जहां तक नाम चर्चा शुरू करने की बात है तो वो छानबीन के बाद शुरू की जाएगी। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए कैथल से नवील मल्होत्रा की रिपोर्ट। ऐसा है कि हनीप्रीत के साथ साथ दो लोग और हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आए हैं। एक आदित्य इंसा हैं जो कि इस डेरे के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं और एक पवन इंसा हैं। ये तीन लोग हैं जो कि अरेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं। हमने उनसे कहा भी है कि अगर वो पेश हों पुलिस को और अपनी बेगुनाही का सबूत दे तो इन तीन लोगों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई में प्रोक्लेम ऑफेंडर की कार्रवाई कर रहे हैं और जहां भी पता लगता है वहां हम उनको उनकी चेकिंग कराते हैं और हम उम्मीद है कि जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा। दरख्वास्त दे अब तो केस दर्ज कर देंगे। पुराना मामला जो बॉम्बे गया था वो वाला ना सर, वो तीन चार साल पहले कोई बॉम्बे गया था सर। इनके प्रॉब्लम शुरू कर दो, जांच कर रहे हैं, हाँ खत्म। कोई भी आदमी कोई भी कंप्लेंट करना चाहता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और उस पर हम कार्रवाई करने के आश्वासन देते हैं।